हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। गाइस, आज फिर से मैं आ गई हूँ मीशो हॉल लेके। आज मेरा मीशो हॉल जो रहने वाला है वो फुटवेयर से रिलेटेड रहेगा, जिसमें सैंडल्स होंगी, स्लीपर्स होंगे, बालीज हील्स होंगी और स्पेशली जो जुत्तीज होती है पंजाबी जुत्तीज वो भी रहेंगी। मैंने सबका कलेक्टिवली हॉल बना लिया है, सबका थोड़ा 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 कुछ है, तो अगर आपको उसमें से कुछ भी पसंद आएगा तो प्लीज सबके लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाके आप परचेज कर सकते हैं। दो की जो ये वाला मीशो हॉल है ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है, क्योंकि इतनी क्यूट क्यूट सी स्लीपर्स है ना, आप देख के मतलब हैप्पी हो जाओगे। बड़ा सोच सोच के, समझ समझ के मैंने ऑर्डर किया कि ये करती हुई बहुत प्यारी लग रही है। और ये ना जो फुटवेयर है ये आपके एथनिक के साथ भी चले जाएंगे, अगर आप फॉर्मल पहन रहे हैं तो भी चले जाएंगे, मतलब आप कुछ भी पहनो तो सबके साथ ये अच्छे से चले जाएंगे। आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं इस ड्रेस के साथ क्या वेयर करूँ, मतलब बहुत ही सोच समझ के मैंने बहुत ही प्यारा सा हॉल बनाया ताकि आप लोगों को हेल्प हो पाए अच्छे से। और अगर आपको कोई भी फुटवेयर पसंद आएगा तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो गाइज, अभी तो मेरे पास बहुत सारे पार्सल है, मैं आपको पहले बता देती हूँ हमेशा की तरह कि मैंने इस बार भी मैंने बहुत शॉपिंग की है मीशो से। ये था बहुत सारे पार्सल लगा, इनको ओपन भी आज मैं आपके सामने ही करूंगी, तो मेरे पास बहुत सारा सामान है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, फर्स्ट आते हैं, फर्स्ट मेरे हाथ में यही बॉक्स आया, तो इसको ओपन करते हैं कि इस बॉक्स में क्या है। मैंने ना बहुत कुछ मीशो से स्लीपर्स वगैरह ऑर्डर किए थे, और आपको मैं बता दूं कि मैंने जब ये चीजें ऑर्डर की हैं तो वहां पे मैं काफी मतलब सेल प्राइस पे ऑर्डर करती हूँ। मैं ऐसे नहीं कि उनके ऑन प्राइस पे ऑर्डर चीजें कर लेती हूँ। तो आप भी हमेशा जब भी ऑर्डर करें तो हमेशा सेल प्राइस पे ही ऑर्डर करें, क्योंकि आपको काफी सस्ता मिल जाएगा पहली बात, और बहुत ही अच्छी चीजें हैं मतलब मिल जाती हैं। तो गाइस, फर्स्ट स्लीपर मेरा, ओ वाओ, फर्स्ट स्लीपर मेरा रहने वाला है दिस वन। अब फर्स्ट आया है वो है ये ब्लैक कलर के स्लीपर्स, ब्लैक कलर की सैंडल। ये सैंडल बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, मैं आपको इन सब की पिक्चर्स स्क्रीन पे दे दूंगी पहली बात, विद प्राइस। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगेगा तो आप देख लेना, और प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे क्योंकि इनको ऑर्डर किए हुए थोड़े टाइम ही हुआ है, 5-6 डेज हुए हैं, तो मुझे लगता नहीं ज्यादा प्राइसेस मतलब हिले होंगे, वैसे ही रहेंगे। तो गाइज, फर्स्ट जो मेरी सैंडल आई है वो कुछ ऐसी आई है, ये फ्लैट सैंडल है, तो मैं यहाँ पे ट्राई ऑन हॉल भी दे दूंगी आपको दिखाने के लिए कि ये पहनी हुई कैसी लग रही है, ऐसा है कैसा लग रहा है, डिस्प्ले करता हुआ कैसा लग रहा है। तो गाइज, इसका जो मैं पहली बात बता दूं, ये जो सैंडल है इसका जो ये वाला वर्क है ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट कुशनी वर्क है और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है गाइज। और ये जो इसकी वायर होती है आपको पता है लेग पे ऐसे करके आती है, मैं भी दे दूंगी आपको वीडियो पे। तो गाइज, पहली बार की क्वालिटी मुझे बहुत ही ज्यादा सॉलिड और बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, तो इनको ट्राई करके देखेंगे कि ये कंफर्टेबल भी है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं गाइज, ये चप्पल मुझे पहनने में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लग रही है, और जो इसका ये जो वायर वाला वर्क है, जो इसका जो ये वायर वाला हमें मतलब बांधना है, ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। अगर आप कभी वन पीस पहन रहे हैं तो उसके साथ ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी जाएगा गाइज। तो ये आप देख सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा है। अब चलते हैं सेकेंड फुटवेयर की साइड, सेकेंड बॉक्स में देखते हैं क्या है। गाइज, मुझे शॉपिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, और स्पेशली जब से मीशो आया है तो मेरा ऑफलाइन शॉपिंग तो बंद ही हो चुका है, मैं हमेशा ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती हूँ बैठ बैठ के, मुझे बहुत पसंद है शॉपिंग करना, तो मैं आपको बता दूं। और मुझे ना मीशो पे पहले इतना ट्रस्ट नहीं होता था कि मतलब मैं सोचती थी कि इतना सस्ता दे रहे हैं तो क्या ही देंगे उसमें, बट सच्ची गाइज इनकी क्वालिटी इतनी ऑसम होती है चीजों की। मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि सब कुछ ऑसम होता है, कुछ चीजें ना बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती हैं कि आप मतलब एक बार देखते हो और आप बोलते हो यार मैं ये ले ही लेता हूँ, और बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही है चीजें। गाइज, सेकंड फुटवेयर है मेरी वही जो मैंने बोला, आप इसको टो फ्लैट भी बोल सकते हैं, ये भी फ्लैट्स हैं और इनका कलर भी बहुत प्यारा है, और इनका जो ये वाला यहाँ पे जो वर्क है वो भी कुछ नहीं वर्क है, और आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारे डिजाइन दे रखे ऐसे स्क्वायर का, एंड देन उसके नीचे ये गोल्डन सी स्क्वायर पीस लगा के वो किया हुआ गाइज। तो आप इसको जीन्स के नीचे भी पहन सकते हैं, सूट के नीचे भी पहन सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा, और पहनने में भी मुझे ये बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। आप देख सकते हैं मतलब हर साइड से मैंने इनका दिया हुआ है कि आप देखिए कैसा लग रहा है, और इनका जो पीछे वाला वर्क है आप देख सकते हैं वो भी काफी, ये ना कुछ स्लिपरी टाइप नहीं है बिल्कुल भी, मैं आपको बता दूं, और ऊपर से भी इसका बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, आप अच्छे से देख सकते हैं गाइज। तो गाइज, ये था मेरा सेकेंड फुटवेयर। अब आते हैं थर्ड फुटवेयर पे, एक तो मुझे पहले से ओपन करके रख लेना चाहिए था,
क्योंकि अभी आपके सामने ओपन करूंगी तो बहुत ही टाइम जाएगा, बट कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छी चीजें चाहिए उसके लिए आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। तो गाइज थर्ड फुटवेयर है कुछ ऐसा, ये थोड़ा सा वेजेस लग रहा मुझे। हाँ गाइज, तो थर्ड फुटवेयर आप देख सकते हैं दिस वन, ये ब्राउन कलर में है और बहुत ही ज्यादा प्रिटी आप देख सकते हैं। और गाइज इसकी ये जो हील है, अगर कोई शॉर्ट हाइटेड है तो अगर ये उसको थोड़ा सा भी हील मिल जाए तो उसके लिए काफी अच्छा होगा। और ये ना कुछ ऐसा प्लास्टिक टाइप का दिया रखा है, प्लास्टिक भी नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा रबड़ थोड़ा सा प्लास्टिक मिक्स है। और इसका ये जो पीछे वाला बैक है ये भी काफी सॉफ्ट लग रहा है, काफी अच्छा, और यहाँ से भी काफी सॉफ्ट है ये। तो गाइज आप देख सकते हैं ये भी मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही है फुटवेयर। और मैं आपको एक और चीज बता दूं गाइस, मेरा जो फुटवेयर का साइज होता है वो 5 रहता है और हमेशा 5 रहता है, मतलब कि चेंज नहीं होता, किसी भी ब्रांड में आप चले जाओ सेम ही रहता है 5। और अभी पता नहीं, मैं ये ट्राई करूंगी सारे और पता नहीं मुझे ये टाइट होंगे लूज होंगे, बट अभी मैं मीशो का बता रही हूँ तो मुझे ये अभी आपको ट्राई करके बताना है कि कैसे लगेगा। बट आपको मैं बता दूं ये फुटवेयर बहुत ही ज्यादा ब्रिटिश लग रही है मुझे, मतलब अभी तक कोई भी ऐसा फुटवेयर नहीं है जो मुझे पसंद नहीं आया गाइस, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और इसकी ये जो हील है ना स्पेशली, आप इसको फुल प्लेटफॉर्म तो नहीं बोलेंगे बट थोड़ा सा बोल सकते भी है क्योंकि काफी ज्यादा हील नहीं है, थोड़ी थोड़ी हील है यहाँ से भी और यहाँ से भी, पर बहुत ही ज्यादा प्रिटी आप देख सकते हैं गाइज। तो गाइज ये थी मेरी थर्ड फुटवेयर, अब आते हैं नेक्स्ट। मैंने ना बहुत कुछ ऑर्डर किया, बहुत कुछ, और आप मुझे कमेंट करके बताना कि किस किस को ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। और आप लोग अगर कुछ बाय करते हैं, अगर आप लोगों को आपको कुछ आपका अपना फेवरेट फुटवेयर है तो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट फुटवेयर आते हैं दिस वन, दिस इज ऑल्सो ब्लैक कलर। ओ माय गॉड, ये मैंने काफी हील्स मंगा ली, इतनी हील्स में पहनती नहीं थी, बट ना वीडियो फोटो पे मुझे कम लग रहा था, बट ये बहुत बड़ी हील्स है, मैं इतनी हील्स नहीं पहनती हूँ। बट अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं, अगर किसी को शौक होता है कि वेज हील पहनने का इतना हाई तो वो ले सकता है। और ये मैं आपको बता दूँ इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा। गाइज अभी तक मीशो के जितने भी फुटवेयर होते हैं ना, किन्हीं किन्हीं का ना ये वाला चीज़ ना बहुत हार्ड होता है, बट जो मीशो का ये चीज़ है ना ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं, मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये सिंपल ब्लैक कलर की, आप इसको प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं या वेज हील बोल सकते हैं, पर बहुत ही सुंदर लगेगी, जो शॉर्ट हाइटेड है ना उनके लिए परफेक्ट हील रहने वाली है। और गाइज ट्राई ऑन हॉल तो मैं दे ही रही हूँ तो उससे आप जज कर सकते हैं कि ये पहनी हुई भी कैसी लग रही है। तो गाइज ये मुझे ना बहुत प्यारी लग रही है, मैं ट्राई करके देखूंगी कि ये पहनने में कंफर्टेबल है भी कि नहीं, बट बहुत ही ज़्यादा प्रिटी और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है गाइज, आप देख सकते हैं इतनी हील्स है इसकी ये। तो गाइज बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है दिस वन। गाइज अब नेक्स्ट आते हैं इस जुत्ती पे, जो कि मुझे बहुत, आप बोल सकते हैं बहुत ही प्रिटी, ओ माय गॉड बहुत ही ज्यादा सुंदर। और इसका कलर, ओ माय गॉड कितना ब्यूटीफुल कलर लग रहा है गाइज, और ये बहुत ही प्यारी, मतलब एकदम सॉफ्ट, बहुत ही प्यारी। और इसके आगे आप देख सकते हैं ये जो घुंघरू वाला प्रिंट लगा है जो इस बैली को, सॉरी जो इस पंजाबी जुत्ती को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बना रही है गाइज, और ये मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही है आप देख सकते हैं, और इनका कलर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है गाइज। एक थी ये, आते हैं नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट वन दिस इज ऑल्सो पंजाबी जुत्ती, यू कैन से मतलब थोड़ा सा लुक वैसा दे रही है, बट अच्छे से ये ओपन है, बट बहुत ही, इसके भी आगे सेम वो घुंघरू वर्क रहेगा और ये बहुत ही प्यारी लग रही है। और इसका कलर भी मैं बोलूंगी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, आप देख सकते हैं गाइज बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही है ये गाइज, और पहनने में भी बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। और मैं आपको बता दूं कि जो इनका अंदर वाला सोल है ये बहुत ही ज्यादा प्यारा है, सॉफ्ट एकदम से। तो गाइज ये थी मेरी नेक्स्ट परचेज, अब नेक्स्ट परचेज पे आते हैं। सबसे अच्छा लगता है मुझे पार्सल ओपन करना, बहुत ज्यादा अच्छा गाइज। नेक्स्ट है ये हील्स, और ये है कुछ बेज कलर की हील्स, आप देख सकते हैं गाइज, और ये आप इतनी सी हील है इसकी, और इतना हील तो मैं वेयर कर लेती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है मुझे। और सेम गाइज इसका ये वाला कुछ नहीं वर्क नहीं है इतना, मतलब है बट नॉर्मल है, इतना ज़्यादा नहीं है। तो बट मुझे लग रहा है कि मैं इसको पहन के देखूंगी कि ये ज़रा भी कंफर्टेबल है या नहीं है, क्योंकि मुझे दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। और आपके पास ना एक ऐसी पेयर ऑफ हील्स ज़रूर होनी चाहिए जो कि हर ड्रेस के साथ चली जाती है, आप इसको एथनी के साथ भी पहन सकते हैं, जीन्स के साथ भी वेयर कर सकते हैं, और अगर आपको लहंगे के नीचे पहन
पहनना है तो भी पहन सकते हैं। और इनके पदूस की जो ये वाली हील्स है ये भी काफी सॉलिड लग रही है। तो गाइज ये थी मेरी नेक्स्ट परचेज, ये भी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। गाइज आप देख सकते हैं काफी ब्यूटीफुल सी चप्पल है ये। गाइज ये थी मेरी नेक्स्ट परचेज, अब आते हैं नेक्स्ट पे। दिस वन ये मुझे कुछ प्लेन सी लग रही है। गाइज नेक्स्ट आते हैं दिस, ये मैंने आई थिंक स्लीपर्स ऑर्डर किए हैं, मुझे तो अब ये भी याद नहीं मैंने क्या ऑर्डर किया था और क्या नहीं। ये स्लीपर्स, और ये स्लीपर्स मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहे क्योंकि काफ़ी हार्ड है ये, तो एक तो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, और बस इनका ये जो बेल्ट लगा है ये थोड़ा प्रिटी लग रहा है, बाकी जो चप्पल है ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है यहाँ से भी, मतलब लाइक आपको पहनने में थोड़ा सा चुभेगा ये, बट ठीक है इतना बुरा भी नहीं है। आई थिंक प्राइस वाइज ठीक रहेगा बट कुछ ऐसा है, और इसका ये थोड़ा सा कम पसंद आ रहा है, बट अगर किसी को ऐसी स्लीपर्स पसंद है तो वो ले सकता है। इसको आप एज कैजुअली बाहर भी पहन सकते हैं, स्लीपर्स हैं कि आप इनको घर पे भी पहन सकते हैं और बाहर भी पहन सकते हैं। ये मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई, बट ठीक ही है, ओके ओके टाइप्स, मतलब दिस इज़ नॉट माई टाइप बट ठीक है, थोड़ा सा इतना बुरा भी नहीं है, प्राइस वाइज आई थिंक ठीक रहेगा। नेक्स्ट आते हैं पार्सल, नेक्स्ट में है, एक तो मैं ऑर्डर करके खुद ही भूल जाती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया। ओह वाओ आई लाइक इट गाइस, दिस इज आल्सो ओपन टू फ्लैट, और जो कि बहुत ही प्रिटी कलर है, बेबी पिंक कलर का। दिस इज आल्सो देख सकते हैं गाइस, ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी ओपन टू फ्लैट है, और इसका ये जो आप देख सकते हैं ये जो इसकी बेल्ट है इस पे थोड़ा सा शाइनी वर्क और ग्लिटरी वर्क हो चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा इस फ्लैट को प्रिटी कर रहा है। तो गाइज ये आप एथनिक के साथ स्पेशली पहन सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा, और आप देख सकते हैं ये पिंक कलर है तो काफ़ी प्यारा लगा है। गाइज ये मुझे बहुत पसंद आई, अभी मैं पहन के देखती हूँ एंड देन आपके साथ शेयर करती हूँ। नेक्स्ट आते हैं वाओ गाइज आई लाइक इट गाइज, ये है फ्लैट सा बोले। नेक्स्ट है दिस फ्लैट, ये मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगी, आप देख सकते हैं इसमें ये थोड़ा सा टेडी बियर टाइप लुक भी दे रखा है, और आप इसको ऐसे ऊपर करके भी पहन सकते हैं, अगर आपको इसको पीछे से सैंडल को बंद करना है तो भी कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है गाइज ये मुझे। और ये आप इसको ये कैजुअली स्लीपर्स आप घर पे पहन सकते हैं, और मैं तो इसको बाहर पे पहन सकती हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं गाइज मुझे बहुत पसंद आया, और इसका कलर भी बहुत प्रिटी है, ग्रे कलर। आई थिंक प्राइस वाइज भी ये बहुत सस्ती थी गाइज, आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा प्यारी है, बहुत ही ज्यादा क्यूट भी है, और कितनी क्यूट लग रही है ना, मतलब बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है गाइज, मतलब अगर मैं इतनी स्लीपर्स ऑर्डर करूँ और उसमें अगर मैं लेवेंडर कलर ऑर्डर ना करूँ तो ऐसा लाइलैक कलर ऑर्डर ना करूँ तो ऐसा कैसे हो सकता है गाइज। नेक्स्ट स्लीपर्स एंड दिस वन, ये भी लाइलैक कलर है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रिटी और बहुत ही प्यारी एंड सॉफ्ट, आप ये देख सकते हैं गाइज ये बहुत ही ज्यादा प्यारी स्लीपर्स है, मुझे बहुत पसंद आ रही है गाइज, आप देख सकते हैं। गाइज इसके ऊपर ना ये टैडी भी बना हुआ है, बहुत प्यारी लग रही है ये स्लीपर्स। एक दिस वन, नेक्स्ट है ज़ारा ड्यूप आप बोल सकते हैं। सी गाइज इतनी ब्यूटीफुल ये सैंडल है, और ओ माई गॉड इसकी क्वालिटी इतनी प्यारी है, मतलब इतनी हील्स में प्रेफर नहीं करती। इस फुटवेयर को मैंने जैसे देखा ना मैंने बाय कर लिया, क्योंकि मैंने इसको ज़ारा में देखा था, और ज़ारा में इसका प्राइस था अराउंड 6000 समथिंग, और मुझे मीशो में आई थिंक ये 300 or 400 समथिंग की मिली है गाइज, और ये बहुत ही प्रिटी चप्पल है, मतलब बहुत ही प्रिटी सैंडल, आप बहुत ही प्रिटी हील्स आप बोल सकते हैं ये वो है, और एकदम यहाँ से ट्रांसपेरेंट लुक है आप देख सकते हैं, और यहाँ से भी, और ये चुभ नहीं रहा, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट है, जो चुभता नहीं है बिल्कुल भी, और ये आप देख सकते हैं गाइस बहुत ही ज्यादा प्रिटी है, बहुत ही प्यारी लग रही है, और पहनी हुई तो ओ माई गॉड ये बहुत ही प्यारी लग रही है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है गाइज। सी गाइज, और इसका कलर यहाँ से थोड़ा क्रीम है और यहाँ से थोड़ा सा पिंक है, लाइट पिंक, और ये बहुत ही प्यारी हील्स आप देख सकते हैं गाइज, बहुत ही प्रिटी, ओह माय गॉड आई लव दिस। ऑल्सो पंजाबी जुत्ती, तो गाइज ये कुछ सेम, मैंने ना काफी चीजें, मुझे लग रहा है
मुंगरू वाले ऑर्डर कर दिए, मुझे बहुत पसंद आ रही थी। मतलब अगर एक चीज देखो ना तो मन करता है ये भी ऑर्डर कर लूँ, ये भी ऑर्डर कर लूँ। तो गाइज नेक्स्ट है दिस वन, दिस इज ऑल्सो पंजाबी जुत्ती, और ये घुंगरू लगे हैं साइड में जो कि ज्यादा छन छन नहीं करते हैं, बट बहुत ही प्यारी लुक दे रहे हैं इस पंजाबी जुत्ती को। आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, और इसका कलर आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा प्यारा है। चप्पल का, इस फुटवेयर का कलर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, और ये जो फ्लावर प्रिंट हुए हैं ना ये बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं गाइज। गाइज एक थी ये, एंड नेक्स्ट नेक्स्ट पे आते हैं। मैंने बोला आपको कि मैंने बहुत कुछ ऑर्डर कर लिया, तो प्लीज अगर किसी कोई भूखे पेट मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज अपने कोई स्नैक ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि काफी टाइम लगने वाला है इस हॉल को। और नेक्स्ट है दिस वन, दिस इज ऑल्सो ओपन टू फ्लैट। ओ माई गॉड, ये भी बहुत ही ज्यादा प्यारी है, और दिखने में भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है गाइज। और ये भी सेम कुशन है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि मीशो के जो यहाँ वाले सोल्स है ये बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, और ये ना आप देख सकते हैं ये ना कपड़े का बना है, और बहुत ही ज्यादा प्यारा भी लग रहा है गाइस। और इसका कलर बहुत प्यारा है, मतलब काफी ड्रेसेस के साथ चला जाता है। और पीछे से भी आप देख सकते हैं ये ना एक कुछ कुछ स्लिपर्स होते हैं ना जो स्लिप करते हैं, कुछ ऐसा मटेरियल बिल्कुल भी नहीं है, ये काफी हार्ड है और बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, और ये भी मुझे काफी पसंद आई है। देख सकते हैं गाइस आप दिस वन। नेक्स्ट लास्ट वन है, क्योंकि और तो मुझे दिख ही नहीं रहा, तो गाइज ये है लास्ट, देखते हैं क्या है इसमें। और मतलब कोई भी फुटवेयर ऐसा नहीं है जो मैं जिसको ना कोई भी फुटवेयर अभी तक मतलब एक वो छोड़ के मुझे ऐसा नहीं है जो मुझे पसंद नहीं आया। ये भी मुझे काफी अच्छी लग रही है हील्स, आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है गाइस। नेक्स्ट है दिस वन, ये भी कुछ हील्स हैं आप देख सकते हैं वेज करके, नॉट रियली प्लेटफॉर्म बट हल्का सा यहाँ पर है और हल्का सा यहाँ पर है प्लेटफॉर्म वेज हील का, और उबने वाला नहीं है। यहाँ पे ऊपर ये ग्लिटरी वर्क दिया हुआ है जो कि इस स्लिप इस फुटवेयर को बहुत ही ज्यादा प्रिटी बना रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा बना रहा है ये ग्लिटर वर्क। और गाइज ये भी फुटवेयर मुझे बहुत पसंद आई, बहुत प्यारी है, और आप देख सकते हैं कि इसकी हील्स भी इतनी है कि मतलब हम वेयर आराम से, मतलब इतनी हील्स में वेयर आराम से कर लगती हूँ, ज्यादा हील्स में मैं थोड़ी सी डर डर सी रहती हूँ कि कहीं गिर ना जाऊं, बट ये काफी प्यारी लग रही है मुझे। और पहनने के बाद तो मैं आपको बता ही दूंगी कि मुझे कैसी लग रही है पहनी हुई भी। और गाइज गाइज ये भी मुझे बहुत पसंद आई है गाइज। मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं ये मेरी लास्ट परचेज तो आप नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने मीशो से अभी 2-3 स्लीपर्स 2-3 फुटवेयर्स और ऑर्डर किए थे, बट वो मुझे अभी तक डिलीवर नहीं हुए क्योंकि वो जस्ट शिफ्ट भी नहीं बता रहे हैं। बट मैं स्क्रीन पे दे दूंगी वो कौन कौन से फुटवेयर है, अगर वो भी आपको उनमें से भी अगर आपको कुछ भी पसंद आता है तो उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगी, ताकि आप अच्छे से बाय कर पाए वो डायरेक्टली जाके। तो गाइज ये था मेरा मीशो फुटवेयर हॉल, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा, के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आप वहां जाके अच्छे से बाय कर पाए। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइज ये था, गाइज मिलूंगे आपसे ढेर सारी वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।